हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 5 टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप जो है फेस कैम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल या किसी अन्य सोशल मीडिया के लिए आप वीडियो रिकॉर्डिंग अपना फेस कैम वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं 5 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं आपके लिए। आप जब भी अपने जो है फेस कैम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उन 5 टिप्स को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपने फेस कैम वीडियो को रिकॉर्ड करें। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो है हमारा नंबर 1 टिप्स जो आता है उसको क्या करना है, आपको अपने अंदर की जो है घबराहट को, अपने अंदर के जो डर को भगाना होगा। नंबर 1 टिप्स में जो हमारा आता है वो है आपके अपने अंदर को जो है घबराहट या डर को जो है आपको निकाल को हटाना होगा। यानी कि जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो आपके अंदर जो है डर एक होता है, जैसे ही आप कैमरे के सामने आते हैं और कुछ भी बोलते हैं तो आपके चेहरे पे जो डर जैसा दिख जाता है। उससे क्या होता है, जो व्यूअर्स होते हैं जो आपकी वीडियो देखते हैं यार, वो जो है आपसे जुड़ नहीं पाते हैं, आपके चेहरे पर एक डर जैसी आपको लगी रहती है। तो जब भी आप वीडियो बनाए यार, उस डर को जो है आप निकाल कर रख दें। विदाउट डर के आप जो है अपने वीडियो में बोलना शुरू करें, कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपने वीडियो में बोले, आपके अपने चेहरे पर जो है डर नहीं दिखना चाहिए। सो नंबर 1 टिप्स में हमारा यही आता है कि आपको जब भी वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो आपको सबसे पहले अपने अंदर का जो है डर निकालना पड़ेगा। और ये जो है आपको शुरू दिन में ही करना होगा। इसमें जो है प्रो लेवल पर अपना वीडियो बनाते हैं तो उस वक्त जो है अपने आप जो है आपका डर भाग जाता है। तो अगर आपको सबसे पहले शुरुआत ही दिनों में आपको जो है अपने अंदर के जो है डर को भागाना होगा। आप जैसे जैसे वीडियो को जो है बनाते रहेंगे वो डर अपने आप भागते जाएगा। आप शुरुआत से ही अपने डर को जो है हटाने की कोशिश कीजिए, जो हमारे नंबर 1 टिप्स में यही आता है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं अपना दूसरा टिप्स यह है फ्रेंड्स, अगर आप जब भी कैमरे के सामने आते हैं वो आपके साथ ऐसा होता है कि आप जो है वर्ड तो सोचे रहते हैं बहुत सारे बोलने का, लेकिन जैसे ही आप कैमरे के सामने आते हैं आपके सारे वर्ड एक बैग जो है आपके गायब हो जाते हैं। आप कैमरे के सामने आते हैं और वर्ड बोलने की कोशिश करते हैं बट सारा वर्ड जो है गायब हो जाता है आपके दिमाग से कि आपको क्या बोलना होता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप जो है जो भी अपने वीडियो में बोलना चाहते हैं वो आपको अपने पेपर पर कहीं नोट करके जो है रख लेना है। और जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करें आप वहाँ से देख देख करके बोले, और वीडियो को एक एक अटेम्प्ट में ना बनाए, उसको दो दो अटेम्प्ट तीन अटेम्प्ट करके बनाए ताकि आपको जो है वीडियो जो है बहुत ही अच्छा तरह से बने। और इसके लिए जो है आपको वीडियो को स्क्रिप्ट करना होगा। और अगर आपको नहीं पता है कि वीडियो को स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इस पर जो है एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। सो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो भी आपको वीडियो बोलना है वो आपको क्या करना है कि एक पेपर पर लिख लेना है, और उस पेपर पर लिखने के बाद आपको कैमरे के सामने आना है डर को भगाकर, और उस जो आप पेपर पर लिखे हैं वही शब्द को जो है आपको बोलना है ताकि जब भी आप कैमरे पर आए आपके वर्ड जो है ना भागे। तो सो आपको वर्ड जो है गायब हो जाते हैं, जो वर्ड आपको गायब नहीं होंगे अगर आप पेपर पर लिख करके बोलते हैं। तो चलते हैं तीसरे टिप्स की। तीसरे टिप्स में आपको क्या करना है कि आपको जब भी अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आपको क्या करना है कि अपने फ्रंट कैमरा से जो है आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है। आपको फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करने से ये फायदा होगा कि आप जो है खुद से जो है बोलकर और अपने आप को देखेंगे तो इसे ये फायदा होगा कि आपको दूसरे से जो है कैसे बात करना है इसका जो है आपको एक्सपीरियंस होगा। आप जब खुद को खुद से देखकर बोलते हैं तो आपको धीरे धीरे वीडियो में बोलने की जो है आपको धीरे धीरे वो आदत लग जाती है और आप जो है वीडियो में बोल पाते हैं। तो आप जब भी जो है वीडियो रिकॉर्ड करते हैं फेस कैम वीडियो तो आप अपने फ्रंट कैमरा से करें, क्योंकि जो है उसे जो है दूसरों से भी बोलने की जो एक्सपीरियंस बढ़ती है और खुद से कैसे वीडियो रिकॉर्ड करना है, कैसे वीडियो में बोलना है इसकी भी जो है आपको एक्सपीरियंस होती है। तो आप जब भी वीडियो रिकॉर्ड जो है अपना फेस कैम करें तो आप फ्रंट कैमरा से ही करें। अब यार बात करते हैं टिप्स नंबर फोर में है कि आपको कैसे अपने वीडियो में जो है आपको बोलना है, आपके अपने वीडियो में कैसे बोलना है। तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो में जो है आपकी आवाज़ आनी चाहिए क्लियर, आपको बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज नहीं आनी चाहिए, आप इसके लिए जो है रात में जो है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उस रात के समय क्या होता है कि आपको जो है माहौल जो है शांत मिलता है, और जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो बैकग्राउंड में कम से कम नॉइज आता है। सो आपको क्या करना है कि जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करें तो आप जो है रात के समय में करें ताकि उस समय जो है आपको सारा माहौल शांत मिले और जो है बैकग्राउंड में कम से कम नॉइज हो। अगर आपके
ऑडियो क्लियर आती है, और अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी लो भी है तो जो है ऑडियंस जो है आपकी वीडियो देखती है, जो व्यूवर्स हैं आपकी वीडियो देखते हैं, क्योंकि यार वहाँ पर उनको जो है आपको वॉइस क्लियर मिलती है। सो आप जो है कोशिश करें कि आप अपने वीडियो में क्लियर वॉइस डालने की कोशिश कीजिए, और इसके लिए जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ज़्यादातर वीडियो जो है रात में शूट करें, क्योंकि जो है रात का माहौल शांत होता है। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 5 लाइटिंग की। आपको जो है वीडियो में लाइटनिंग कैसे करना है, आपको लाइटिंग जो है आपको ऐसा लाइट करना है कि आपको जो है चेहरा फ्रेश दिख जाए, आपकी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाए, ऐसी लाइट करना है। और आपको ऐसे कपड़े पहनना है कि आपको लाइट का जो है उस पर प्रभाव ना पड़े, क्योंकि अगर मेरे पास एक ऐसा कपड़ा कि अगर मैं उस कपड़े को पहनूँ तो मेरा जो है चेहरा जो है ब्लैक हो जाता है। सो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा जैसे कि कपड़ा पहनना है लाइट के हिसाब से कि आपको जो है क्लियर जो है आपका फेस दिख जाए। सो आपको क्या करना है कि लाइटनिंग में जो है आपका अच्छा एक दो LED बल्ब लगाना है, जिसके थ्रू जो है आपका वीडियो क्वालिटी अच्छी हो जाए, और आपको क्या करना है कपड़े भी अच्छे पसंद है जिसके थ्रू जो है आपका लाइटनिंग से जो है आपका कपड़ा मैच करे। सो आपको क्या करना है लाइटनिंग में जो है लाइटनिंग और कपड़े अच्छे से पहनना है। और इसके बाद अगर आपको पास लाइटिंग से लाइट का जो है प्रॉब्लम है तो आप जो है दिन में जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दिन के समय यार सनलाइट जो है बहुत ही ज़्यादा इससे अच्छा होता है, लेकिन आपको क्या करना है कि अगर आप दिन में वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप किसी जो है अगर पास में पार्क है तो आप वहाँ पर जाकर या फील्ड में जाकर जो है आपको अपना वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर आपको जो है सनलाइट में जो है वीडियो रिकॉर्ड करना आता है। और सनलाइट की जो है लाइट होती है वो बहुत ही नेचुरल होती है, और उसमें वीडियो जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आती है। सो आप दिन में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पार्क या फील्ड वगैरह में जाकर आपको वीडियो को रिकॉर्डिंग करना होता है। सो ये थी 5 टिप्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टिप्स पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको लगता है कि इस वीडियो से जो है किसी को जो है फेस कैम वीडियो रिकॉर्डिंग करना आ जाएगा तो आप उनको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और आपसे लेते हैं इस वीडियो में यहीं तक अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।